ये ड्रीमी ड्रेस सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास है। यार दिल्ली में जल्दी न्यू ही खिल जाए। हम लोग अब इस रिजॉर्ट को छोड़ के जा रहे हैं, सो देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है मॉल ऑफ देहरादून। ये वाला टॉप सिर्फ 300 रुपए का गाइस, कुछ ज्यादा ही पिंटरेस्टी स्टोर है। ये ड्रेस पे तो प्यार ही आ गया था। गाइस हम लोग निकल रहे हैं मसूरी के लिए और ये मेरा आज का आउटफिट और सब रेडी हो रहा है उधर। हम लोग अब इस रिजॉर्ट को छोड़ के जा रहे हैं, सो बाय। इसके और ऊपर जा रहे हैं हम लोग, मतलब मसूरी। देहरादून थोड़ा नीचे है ना, पूरा रूम खाली हो गया। ये बहुत प्यारा सा फ्लावर मिल गया, चलते हैं अब दूसरा रूम भी चेक कर लेते हैं एक बार, वरना कुछ रह जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए। तो भाई इस रूम को भी अच्छे से चेक कर लिया, कुछ नहीं है, कुछ छूटा नहीं है। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कुछ छूट जाता फिर बाद में याद आता है कि हाँ यार छूट गया। सारा सामान ले लिएगा, हमें कुछ नहीं रखना उधर, ये मेरे पास ही रहेगा। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं पहले न्यूमी स्टोर, जो कि मॉल ऑफ देहरादून में है। और बहुत दिन से मन था मेरा न्यूमी स्टोर जाने का, दिल्ली में तो है नहीं, तो आप क्या करें, देहरादून आया तो यहाँ पे एक बार एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। हाँ गाइज, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो देहरादून में वाटर पार्क जाने का, तो यहाँ पे एक वाटर पार्क है जिसका नाम है जॉयलैंड, और ये बहुत अमेजिंग वाटर पार्क है। हम लोग तो मिस कर गए, जाने तो वाले थे लेकिन हम लोग को प्राइवेट स्विमिंग पूल मिल गया जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए नहीं। और बहुत अमेजिंग वाटर पार्क है, देखो गाइज यहाँ से पूरा दिख रहा है, पहाड़ों वाला वाटर पार्क है ना। चलो अब चलते हैं न्यूमी की तरफ। तो गाइज मॉल तो बहुत दूर था इसलिए हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुक गए मैगी और आलू पराठा, क्योंकि दिल्ली में तो है नहीं न्यूमी स्टोर, यहीं पे आ गए। सो गाइज अभी हनी लोग कार पार्किंग कर रहे हैं और हम लोग अभी कार पार्किंग में अभी जाएंगे। शायद फर्स्ट फ्लोर पर न्यूमी है। यार दिल्ली में जल्दी न्यूमी खिल जाए, यहाँ पर तो है, देहरादून में है, दिल्ली में नहीं है। तो गाइस ये है देहरादून का सबसे बड़ा मॉल और कितना प्यारा है। Now she's just a mad girl laying on your chest. Let her
हम लोग दे दिए हैं वापस जहाँ से लिए थे रेंट पे। स्कूटी इसलिए ले रहे क्योंकि पूरा व्यू इंजॉय करते हुए जाना है, और कार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पहाड़ पे राइड करने क्योंकि वहाँ पे बहुत पतला रास्ता है। तो अभी हम लोग स्कूटी ले लिए हैं और निकल रहे हैं मसूरी के लिए। यहाँ पे अभी बारिश स्टार्ट होने वाला है, हल्का हल्का हो रहा है। हम लोग ऐसा लग रहा है हम लोग भीग जाएंगे यार आगे जाते जाते। अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने, जाने से पहले कुछ खाने आए हैं। भूख लगा है ना, एक बज रहा है। सो गाइज हम लोग अब जा रहे हैं मसूरी के तरफ, और यहाँ का व्यू बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पता नहीं आवाज़ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है और हम हेलमेट पहन रहे हैं। दिखाते हैं व्यू, ठीक है देखो। रास्ते में रुके हैं पूरा व्यू के लिए, व्यू का पूरा कैप्चर करते हैं, वीडियो और रील्स वगैरह बनाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं।